जादूगर ते पाक दीवारी आई देखो से पाक फरमा देने मैं बनिया ते इंज गाले बाऊं जिवे परिंदे आते आप इरशाद फरमा देने जिवे सारे परिंदे ते बाद गाले भी आ जाता है एवे मैं सारे बनिया ते गाली भी आ गया हूं नहु जवानों दी एक एक अदाओ नबी वर्गी आई गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नो ने अपने नाने दे कदमा ते जे कदम रखे जदू कमली वाले आए मेरे नबी ने आउंदे आई सजदा कीता हो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद व सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगहे सैयद नबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बायस तख़लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु रबी उसानी शरीफ दमाह मुकर्रम और इस माह मुकर्रम नू बड़ी ग्यारहवीं शरीफ वाला महीना भी किया जाता है माहे मुकर्रम नु निस्बत हजूर गौसु सकलैन नजीबुत तरफैन हजरत गौसे समदानी हजरत मीरा मुहियुद्दीन हजरत सैयदना अब्दुल कादर जीलानी गौसे पाक अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी इज्जत पाक दे नाल अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत तैयबा आप दी तालीमात आप दी हयात तैयबा दी चंद गोशे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अर्ज़ करेंगे इस तो कबल आप पाक ने गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत के हवाले नाल बेशुमार मौज़ूआत नु समाप्त फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ने दा शर्फ हासिल किया इस आयत मुबारक च रब तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु फरमाया इसके अलावा नहीं कि अल्लाह तुहाडा वली है और उसका रसूल तुहाडा वली है वल्लजीन आमनु अल्लजीन युकीमून सला फरमाया और वो ईमान वाले जिन्होंने अपनी नमाज़ां नु कायम रखिया वयुतून ज़कात वहुम राकिऊन और उन्होंने रुकू की रुकू दी हालत च भी ज़कात अदा की कुरान मजीद फरकाने हमीद अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़ा विलायत दा तसव्वुर इरशाद फरमाया और इस्लाम ने दीन ने जेड़ा सानू विलायत दा तसव्वुर अता फरमाया याद रखिएगा कि हवा च उड़ना विलायत नहीं पानी पे चलना विलायत नहीं अगर हवा च उड़ना विलायत है तो परिंदे सारे वली ने और अगर पानी पे चलना विलायत है तो मछलियां सारियां वली ने मर्तबाए विलायत किनू किया जाता है वली दी शान की है वली दा मर्तबा ते मुकाम की है अल्लाह ने फरमाया कि वली होवे जेड़ा ईमान वाला भी होवे ते मुत्तकी भी होवे परहेज़गार भी होवे नमाजी भी होवे ते सखी भी होवे अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमाया खबरदार बेशक जिहड़े औलिया अल्लाह ने ला खौफुन अलैहिम ना ते उन्हां ते कोई खौफ है वला हुम यहज़नून ना उन्हां नूं कोई हुज़न है अल्लज़ीन आमनू वकानू यत्तकून निशानी की अता फरमाई फरमाया अल्लज़ीन आमनू ओ ईमान वाले होंदे वकानू यत्तकून और मुत्तकी ते परहेज़गार होंदे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हयात तैयबा अगर मुतालिया बड़ा दकीक करिए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला दी सारी सीरत तैयबा एक एक लम्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इत्तेबा दे हुज़ूर दी इताअत च गुज़रिया सारी हयात तैयबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजारिया कि जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत और हुज़ूर दी इत्तेबा तो बाहर होवे आप इरशाद फरमांदे ने कि हर वली किसी ना किसी नबी दे कदम ते होंदे
हर वली किसी ना किसी नबी दे कदम पे होता है। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया दे अंदर इंसान जदों लताइफ होते गुफ्तगू कर दे और लताइफ दे होते मेहनत कर दे तो उन्हें पता चल दे कि हर लतीफा इंसान दे अंदर जड़े लताइफ है रूहानी लताइफ वो किसी ना किसी नबी दे कदम पे। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हर वली किसे ना किसे नबी दे कदम पे होता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने जद्दे आला अपने नाना जान कमली वाले दे कदमे मुबारक थे। यानी आप दा एक एक जिंदगी दा लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तेबा ते अताए ते गुजरिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी ज़ाते पाक नु सिर्फ करामात दी हद तक ना देखा जाए। हालांकि जिस तरह अंबिया विचो सब तो ज्यादा मौजज़े मेरे नबी दे ने औलिया चो सब तो ज्यादा करामात मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने फरमाया कि सब तो ज्यादा करामात हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी ने। मगर गौसे पाक नु सिर्फ करामात दी हद तक ना देखा जाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नु सिर्फ ग्यारहवें शरीफ के हवाले नाल ही ना देखा जाए। गौसे पाक नु सिर्फ कसीदा गौसिया के हवाले नाल ही ना देखा जाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी सीरत नु इस हवाले नाल भी देखा जाए। आपने सारी जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तेबा ते हुज़ूर की अताअत ते फरमाबरदारी चु गुज़ारी। अज मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले नाल थोड़ी गुफ्तगू अर्ज करना चाहना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी हयात ते इबादत असी ए वाला पहलू भी देखिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया ते तशरीफ लेके आए उस वेले हर तरफ कुफर दा अंधेरा सी। अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो उस वेले युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर लोगों ने कुफर की जुलमत अंधेरे चो निकाल के नूर का वारिस बनाने वास्ते भेजा। फिर कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मेरे नबी ने मुआशरे दे विचो और दिलों विचो कुफर का अंधेरा निकालिया ते लोगों ने नूर ते ईमान का वारिस बना दिता। गिरामी कदर हजरात जहां तारीख था जुलमत कदा था और काला था कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। कमली वाले आए पिछला महीना रबीउल अव्वल ते ए रबीउल सानी उस माहे मुकर्रम दे अंदर नबियां दा इमाम आया। इस माहे मुकर्रम दे अंदर वलियां दे इमाम दा विसाले पाके तो गिरामी कदर हजरात उन्हों रबीउल अव्वल किया गया पहली बहार इन्हों रबीउल सानी किया गया दूसरी बहार। उस महीने नो इमामुल अंबिया नाल निस्बत है इस माहे मुकर्रम नो इमामुल औलिया नाल निस्बत है। तो जहां तारीख था जुल्मत कदा था और काला था कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था कमली वाले आए थे उजाला होया। इसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा इक लकब है मुहयुद्दीन। मुहयुद्दीन दा मानी दीन नु जिंदा करने वाला जिंदा करने वाला मुहयुद्दीन। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नु भी मुहयुद्दीन इस वास्ते किया जाता है कि आप जेडे दौर च तशरीफ लेके आए उस दौर दे अंदर भी इस्लाम दे उते डाढा ते औखा वेला आ गया। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत दी हद्दां नु पामाल कीता जा रहा। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन मतीन उते बादशाहां और वक्त जालिम हुक्मराना ने इंज दा कब्जा कर लिया कि लोग दीन तो दूर हो रहे सन। लोग बादशाहां दे मातहत गलत हुक्मरानी दे अंदाज अपनाए जा रहे। अल्लाह ने फिर उस मर्द कलंदर नु भेजिया। अल्लाह ने फिर उस सैयदजादे नु भेजिया जेड़ा बाप वालों इमाम हसन की औलाद है ते मां वालों इमाम हुसैन की औलाद है। हसनी हुसैनी सैयद आया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नु फिर आपने आके दीन नु दोबारा जिंदा किया। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ते इंज डांडा करके अमल किया कि लोगों ने असल दीन दी दोबारा पहचान कराई। वो जेड़ा दीन ते औखा वेला आया वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन आसान करके उदे ते अमल करके दिखा के अमली तौर ते तस्वीर लोगों के सामने दीन दी पेश फरमाई ते लोगों ने गौस पाक नु वेखना ते नबी पाक दा कलमा पढ़ जाना। कुफार ने वेख के कलमा पढ़ जाना कि ए एडा सोहना है
इहदा नाना किन्ना कु सोहणा होवेगा, इहदे च आ कमाल है, इहदे नाने च की कमाल होणगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अनहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात और हुजूर दी सिफात दा मज़हर बन के तशरीफ लेके आए, आप नु वेख के कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद आ जांदी। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अनहु दी आइए सीरत तैयबा दे इस गोशे नु अज छेड़िए। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अनहु दे नाना जान दी सिफत है, ओ दीन लेके आए ते मुर्दा दिलां नु मेरे नबी ने जिंदा कीता, इना दीन बचाया ते मुर्दा दिलां नु जिंदा कीता। जब कौन है दिवाली आए, हुन आइए मेरे नबी दी जरा कुव्वत मुशाहिदा दा गौर कीजिए। पढ़ा कुरान भाई, थोड़ा होर उच्चा बोलो बोला, गल मैं दो जातां दी अज करनी, एक नबी पाक दी ते एक गौसे पाक दी। ओ बोले जेड़ा ग्यारहवीं खांदा है, हुन ओ बोले जेड़ा दिलांदा है। हाथ नहीं तुसी चुके, हाथ अपना भी ते ना देता भी चुके, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया या हनबीउ इल्ला रसलना का शाहिदं व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इल्लाहि बिइज्निहि व सिराजन मुनीरा। एक लफ्ज़ ते गौर करो, अल्लाह ने फरमा इन्ना अरसलना का शाहिदा, शाहिद उन्हों कहते ने जेड़ा मुशाहिदा करने वाला होवे, जेड़ा गवाह होवे, जेड़ा मौके ते मौजूद होवे। ते कमली वाले दे मुशाहिदे दी बकी की शान सुनावा। एक दिन नबी पाक नमाज पढ़ा रहे, बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है, नमाज पढ़ाद ना पढ़ाद्या दौरान नमाज इस तरह करके नबी पाक ने अपना एक कदम मुबारक अगे किया, इस तरह करके हाथ मुबारक अगे किया, कदम मुबारक भी हाथ मुबारक भी इस तरह करके ना। तो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया, जब नमाज मुकम्मल की थी, सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह आ जड़ा नमाज चज नवा कम कीता है, ये भी करना है, ये नमाज दा हिस्सा बन गया। फरमाया नहीं हुजूर, क्यों कीता है? फरमाया अचानक नमाज पढ़ दिया मेरे सामने खुदा दी जन्नत आ गई, ते जन्नत दे फल ते उथे अंगूर दा एक गुच्छा पे लटकदा सी, ते मेरा दिल कीता कि मैं आ गुच्छा तोड़ के अपनी उम्मत ली जन्नत च ले आवां, जमीन ते ले आवां। फरमाया जे मैं ले आउंदा ते कयामत तक खांदे रहंदे ते मुकना ही नहीं सी। फिर मैनु ख्याल आया कि नहीं, मेरे उम्मती जाके जन्नत च ही खावन गए, इत्थे खा लिया ते किधरे बेकदरी ना कर देन। ते कौन है दिवाली ने फरमाया मैं छोड़ देवा, हुन मेरे नबी दा मुशाहिदा वेख, कदम मुबारक जमीन ते हाथ ते नजर जन्नत च, क्या मुशाहदा मेरे नबी दा, जमीन ते खलो के पाँव मुबारक जमीन ते रख के ते जन्नत दा मुशाहदा भी फरमा रहे ने। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अचानक हदीसे पाके चांदा एक दिन अचानक बड़ा जोरदार धमाके दी आवाज आई, सहाबा घबरा गए। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया सहाबा आज तो 70 साल पहले फरिश्तिया ने एक पत्थर दोजख च सटिया, वो पत्थर जाके आज दोजख दी तह विच गिरिया है, ये ओदी आवाज आई है। उलमा फरमांदे ने जन्नत 7 आसमान तो ऊपर है ते दोजख 7 जमीन तो नीचे वे। वो याद जेड़ा नबी जमीन दे उते कदम रख के ते निगाह दा मुशाहदा ओ जन्नत तक जावे, ओदी कन दी समाद दा ए हाल होवे के 7 जमीन तो नीचे दोजख तक जावे। उस नबी दे मुशाहदे दा आलम देख, कौन है दिवाली नूं फरमा इन्ना अरसलना का शाहिदा, फरमा महबूबा सा तेनूं शाहिद बना के भेजिया, मुशाहिदा करन वाला। हुण गौस पाक फरमांदे ने कि मैं अपने नाने दे कदम ते आ, उच्चा बोलो, हुण ए ते नबी दा मुशाहिदा हो गया। आइए जरा देखिए जिन्हें नबी दे कदमा ते कदम रखे ओ गौस पाक नूं अल्लाह ने कैसा मुशाहिदा अता फरमाया। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अनहो
आप इरशाद फरमा देने, आप फरमा देने नजर तो इला बिलादिल्लाह, फरमा देने नजर तो इला बिलादिल्लाह, आप फरमा देने के आ जड़ी मेरी नजर है ना अल्लाह दे सारे शहरां ते वे नहीं आवाज आई सुभान अल्लाह दी, नजर तो इला बिलादिल्लाह, आप इरशाद फरमा देने नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान कखर अदालत इन अला हुक्म तिसाली, आप फरमा देने रब्बे काबा दी कसम है मैं अपने रब दे सारे शहरां नूं इंज वेखना जिवे लोग तरी दे उत्ते राई दा दाणा रख के वेखदे, उधर नाने दा मुशाहदा वेखते इधर दोतरे दा मुशाहदा वेख, मैं तुहानूं दस्सिया है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं दी ज़ात नूं जदों मुताला कीजिए नबी पाक दी ज़ात विच गुम ज़ात नज़र आती है, उधर नाने दा मुशाहदा देखो ते गौसे उधर नबी पाक ने भी फरमाया ना फरमाया मैं सारी कायनात नूं इंज वेख्या जिवें अपनी इंसान तली नूं वेखदा है, ते गौसे पाक भी फरमांदे ने नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान तखरदलतिन अला हुक्म तिसाली, फरमांदे ने मैं भी कायनात दे सारे शहर इंज वेखना जिवें तली ते राई दा दाणा रख के वेखी दे, ते पीरे बाहू ने एदा ही तर्जमा कीता, चलिए पीरे बाहू दे दरबार ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, गौस पाक दा सच्चा मुरीद बोले सुभान अल्लाह, पर गौस पाक दा मुरीद कौन नहीं, ए हो ही नहीं सकदा को गौस पाक दा मुरीद मुसलमान ना होवे, क्यों गौस पाक फरमांदे ने जेड़े मेनू वेख्या नहीं वेख्या आ फरमांदे ने जेड़ा दिल विच मेनू अपना पीर मन लवे मैं ओदा ही पीर हां, फरमाते ने जेड़ा दिलों मेनू अपना पीर मन ले मैं ओदा ही पीर हां मेरा ही मुरीद है, ते आप फरमाते ने मुरीद दी ला तखफ ते मेरा जेड़ा मुरीद कयामत तक खौफ ना खावे, फरमाते ने कदे खौफ ना खावे जेड़ा मेरा मुरीद है, ते मुरीद कौन है जेड़ा मेनू मुर्शिद मने मैं ओदा ही पीर हां, है वाह गौसे पाक दी अदमत, हुण जेड़ा गौस पाक दा मुरीद है ओ बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर लगा के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, आरफा दे सुल्तान ने फरमाया चशम चरा जिन्ना देवी दे ओ क्यों पालन दीवे जेड़ा जुमला बड़े पहले मैं वजाहत कर लवा, पीरे बाहू फरमांदे ने चशम चराग जिना दे दीदे ओ क्यों बालन दीवे हो, चशम भी अख नू किया जांदा है ते दीदे भी अख नू किया जांदा है, चराग भी ओनू किया जांदा है ते दीवा भी ओनू किया जांदा है, उन चार लफजा नू पीरे बाहू ने एक मिश्रे दे विच वेखो इंज परोया जिवें तस्वीर दे विच दाणे परोई दे ने ना, हजूर गौसे पाक दे मुरीद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक दे अजीम आशिक हजरत सखी सुल्तान बाहू ने ना वो जिहड़ा गौस पाक दा मुशाहदा ओनू किवें बयान फरमाया गौर कीजिए, आप इरशाद फरमांदे ने चशम चरा चरा चराग जिना दे दी दे ओ क्यों पालन दीवे ओ तालिब दी मतलूब हयाती ओ ते डिठिया बाज ना जीवे हो ए तालिब दी मतलूब हयाती ओ ते डिठिया बाज ना जीवे हो now
एक कबर हुण बोलो सुभान अल्लाह। मुशाहदा नाने वर्गा, मोहियुद्दीन लकब नाने वर्गा। अगली गल करिए, वक्त थोड़ा ना, मैं गल्लां बोतिया करनी, मेरा दिल करदा मैं उन्हां दी एक एक आदत नबी पाक दे कदम ते रख के अर्ज़ करां। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवे इमामुल अंबिया ने ना, ए इमामुल औलिया ने। गौसे पाक रदी अल्लाह होता है, जदू आई ना नबी पाक दी गुफ्तगू दी वारी, पढ़ा कुरान भाई, जदू मेरा नबी बोले हाय हाय, बोलना किन्नो नहीं आउंदा, जिन रब ने जुबान दिती है बोल देते सारे ने, है बोलन नु ते काम ही बोलदा है, है ते बोलन नु बुलबुल भी बोलदा है, पर बोलियां बोलियां दे फर्क थे बड़े ने ना, है पर कदे गौर कीता है, कदे किसे कां ही डकिया, किसे कां पाले होण, कदे वेख्या होवे कि किसे ने कां पाले ने, उल्लू पाले होवण कदे किसे, हालांकि वह भी तो परिंदे ही ने ना, बोलदे ने ना, पर जदों कवा बोले ना ते कान नूं इतनी अज़ियत पहुंचदी है, दिल करदा चुप कर जे ये बोले ना, ते जदों बुलबुल बोले, जदों कोयल बोले, फिर दिल करदे नूं कैद कर लिए, ये बोलदा रवे ते असीं सुणदे रहिए। आ जिहड़ा जिहड़ा कदे कदे बंदा दुआ करे ते कबूल नहीं ना आउंदी, ते बंदे नूं इंज लगदा है मैं ते बड़े रो के दुआ कीती ते मेरी कबूल क्यों नहीं होई, ते कदे कदे कुछ हुंदे ने ओह इंज दुआ करदे ने फौरन कबूल हो जांदी है, क्योंकि कुछ कां हुंदे ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਲਦੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਡੱਕੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। आ फर्क है ना बोलियां बोलियां दा, बोलियां दा बड़ा फर्क है, कदे कदे किसी ने जल्दी जल्दी वेखो ना। मौलाना रूम इतने बड़ी प्यारी जी मिसाल दी, फरमाते ने वडेरी जी माई मंगन आ जाए ना, वडेरी जी माई तो सखी उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ दे के कहते चलो माई जी जान छोड़ो, जे को खूबसूरत औरत आ जाए ना तो उदे नाल दिल करदा बथेरियां गल्लां करा, है ना। मौलाना रूह फरमाते ने बस इंजी, कदे कदे जदों बंदा आउंदा ना रब को मंगन वास्ते, रब उहदी दुआ जल्दी जल्दी कबूल करके फरमाता चलो जाओ, ते कोई एडा सोहना लगदा अल्लाह फरमाता तू मंगदा रह, दिल करदा मेरे बूहे बैठा ही रहे, ये उठे ही ना, ये ना उठे मेरे दरवाजे, तो बोलियां बोलियां दा फर्क होंदा है। इहदी मैं वजाहत दित्ती ते इंशाअल्लाह फिर कदे जिस दिन दुआ दे सिलसिले या सखावत ते करांगे गुफ्तगू, उस दिन इहदे ते गुफ्तगू करांगे। आइए मुड़ वापस आइए, मेरा नबी जदों बोलदा है मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा जुमला एक पासे, जदों मेरा नबी बोलदा रब्बे काबा दी कसम है उहदे विच रब बोलदा, एडा मिठा बोलता मेरा नबी कि वेच रब बोलता है, उदे वेच रब बोलता है। नबी पाक दे साहबी सन, हजूर ने जो बोलना जो भी बोलना उन्हें लिख लेना। एक दिन काफिर मेना मारे उन्हें आख्या मन्या तेरा नबी है, पर हर वेले नबी तेरा ऐसी गल ते नहीं ना करता कि उन्हें लिखा ही जाए। कदे कदे इंसान कुछ ऐसे अल्फाज भी बोल देता है जिन्हें नहीं लिखने जरूरत नहीं। सहाबी का दिल टूट गया थे, आगे नबी पाक की बार का चर्ज की थी, यार रसूल अल्लाह मैंने यहूदियां मेना मारे है, उन्हें आख्या तू नबी की हर गल क्यों लिख लेना है, हर गल तो नहीं ना लिखने वाली होंगी। उस वेले मेरे नबी इस तरह करके इशारा करके ना, तो मेरे नबी ने फरमाया उक्तुब, फरमाया लिखिया कर, फवल्लदी नफसी बियदिही मा युखरुजु मिन्हु इल्ला हक, फरमाया मैंने उस रब की कसम है जिदे कब्जे च मुहम्मद की जान है, इस जुबान दे विचों हक तो इलावा कदे कुछ निकलदा ही नहीं। तेरी बोली तो सदके जावा, पढ़िए कुरान हुण उहदी बोली ते, भाई मैं तुहानू गौस पाक दी बोली सुनानी है, मैं इस वास्ते तुहानू पहले नबी पाक दी सुना लवा ना। अल्लाह री रिजा फरमा वकील ही या रबिल है उलाई कौम ला युमिनून इन्नहू
لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بولے نہیں سبحان اللہ میں کیویں کراں بھائی اچھا بولو سارے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ادھا ترجمہ انج کرنا اس بے صورت نے بول نہ کی اس بے صورت نے بول نہ کی وچ صورت محمد محمد دی بول دائے اس بے صورت نے بول نہ کی وچ صورت محمد دی بول دائے بلا صورت محمد دی کی بولے بولی بولن والا بولدا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ میں نے رب دی عزت دی قسم جی دے قبضے چ محمد دی جان نے فرمایا میری زبان دے وچوں حق دے علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں ایڈا میٹھا میرا نبی بولدا کہ اودے وچ رب بولدا آئیے ذرا غوث پاک دی حیات طیبہ دا بتا دیا کیجیے غوث پاک فرماتے ہیں بچپن سے جدو میں درس نظامی کر کے پہلی بار ممبر تے بیٹھا نا اللہ والا مینوں حکم ہویا کلام کر آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں کلام کیویں کراں میرے سامنے عربی نے میں عربی چوں آیا اے میرے سامنے بڑے فصیح تے بلیغ لوگ بلاغت والے بیٹھے نے فصاحت والے بیٹھے نے تے میں انہاں نال کلام کیویں کراں آپ فرماتے ہیں اچانک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے تھے آپ نے نہ اپنا لعاب دہن مبارک تھک مبارک سات تواری میری زبان تے رکھیا آپ فرماتے ہیں میں پھر حکم ہویا کلام کر پھر میں خیال ہے میں کیویں کلام کر سامنے فصاحت بلاغت والے میں ان کے سامنے کیویں بولاں گا فرماتے ہیں مولا علی خواب میں آئے تھے آپ نے چھ مرتبہ لعاب دہن مبارک میری زبان تے رکھیا آپ فرما دینے میں نے خیال آیا کہ نبی پاک نے سات واری تے مولا علی نے چھے واری اس واسطے رکھے آئے کہ حضور دے ادب دی وجہ تو علی نے نبی دی ریس نہیں کی تھی غوث پاک فرما دینے پھر میں نے حکم آیا ہون کلام کر ہون کلام کر غوث پاک پھر جدو ممبر تے بیٹھ کے کلام کر دے سن کہ ایسی حکمت آمید گفتگو فرمانی حضور غوث پاک نے کہ میں کتاب بچ پڑھیا کہ غوث پاک جدو تقریر ختم فرما دے سن آپ دی تقریر دے وچوں 70-70 جنازے اٹھدے سن یعنی آپ جدو کلام فرما دے سن تے آپ دے کلام دی حکمت دی وجہ تو تے خشیت الہی تے خوف الہی دی وجہ تو لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن حضرت علی بن حیتی غوث پاک دے مرید تے خلیفہ فرما دے جدو غوث پاک تقریر فرما دے سن تے اسی گندے ہوندے سن جو کنے لوگاں نے توبہ کیتی ہے اتنے لوگ توبہ کردے سن کہ گنتی نہیں سی ہو سکتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جدو پھر تقریر فرما دے سن 70-70 ہزار دا اجتماع دا 70 ہزار دا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دن خطاب فرما دے سن ہفتے دے اندر 70-70 ہزار دا اجتماع ہوندا سی تے آواز وچ کمال اے سی جتنی آواز پہلے بندے نوں سنی جاندی سی اتنی آواز ہی آخری بندے نوں سنی جاندی سی او جنے محمد دے قدماں تے قدم رکھیا شریف تک نہیں ویکھنا انہاں دی عظمت ویکھو کہ انہاں نبی پاک دی اتباع کیویں کیتی آئیے گرامی قدر حضرات میرے نبی دی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ کون ہے دیوانی نے جڑا ویکھدا سی اودے لبہ چوں نکلدا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وہ کہندا سی رب کعبہ دی قسم ہے میں محمد تو ود کے حسین کو ویکھیا ہی نہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ محمد تو پہلے کو محمد دا مثل ویکھیا ہے نہ محمد دے بعد کو محمد دا مثل ویکھے گا تے ایدا ترجمہ بھی کرا لئیے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار کولو
पीर मेरा लिशा गोलड़े दे ताजदार फरमा देने कोई मिसल ना ढोलन दी कोई मिसल ना ढोलन दी कोई मिसल ना ढोलन दी ए चुप कर मेरे अली इथे जान यू बोलन दी ए चुप कर मेरे अली इथे जान जिवें सारे परिंदियां ते बाद गाले पे आ जांदा है एवें मैं सारे वरियां ते गाली पे आ गया तू जवानों दी इक इक अदा नबी वर्गी है गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नो दे अपने नाने दे कदमां ते जे कदम रखे जदू कमली वाले आए मेरे नबी ने आउंदे आई सजदा कीता जदू गौसे पाक आए उन्हां आउंदे आई रोजा रखे पहले पहला सजदा मेरे नबी दा है मां दी गोदी चाहे ते पहला ही सजदा ते सजदे च कीता की लोग सुभान रब्बी अला ना पढ़दे ते मेरा नबी सजदे च रब्बी हवली उम्मती पे पढ़दा है उस नबी दा अपनी उम्मत ना प्यार वेख असी सुभान रब्बी अल आला पढ़ने आ ते नबी पाक ने पहले सजदे च रब्बे हवली उम्मती पढ़या ते आला हजरत फरमांदे ने पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगार ये उम्मत पहला खो सलाम पहला खो सलाम यादगार ये उम्मत पहला खो सलाम बगदाद शरीफ पता नहीं लगता कि अज चन चढ़िया है कि नहीं चढ़िया सुबह रोजा रखना है कि ईद करनी है ते किसी ने आख्या ओ जिहड़ा सैयदां दा घर है ना सुनिया उथे पहले रोजे वाले दिन का एक बच्चा पैदा होया तो सारा दिन मां का दुध नहीं पींदा सहरी वेले पींदा है ते अफतारी वेले पींदा है बच्चा रोजा रखता है जाओ जाके मां नूं पुछो मां ने जे आख्या ना कि अज दुध नहीं पीता तो फिर रोजा है जे दुध पी लिया तो फिर ईद है चेक करने वास्ते लोग आए तो पता लगा सुबह का बच्चे ने दुध नहीं पीता लिहाजा अज रोजा ही रखना है गिरामी कदर हजरात मेरे नबी आए ते सजदा किया गौस पाक आए ते रोजा रखिया वाह उदे च सारियां नाने वालियां आदतां नाने वालियां आदतां हुण कौन है दिवाली दी इक होर आदत के मेरे नबी इमामुल अंबिया ने इन इंज कवां सियादत कुल सारे नबियां दी सियादत ते सदारत मेरे नबी ने फरमाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी आई फजीलत हासिल है कि जिमें नबी पाक इमामुल अंबिया ने गौसे पाक इमामुल औलिया ने आप इरशाद फरमा दे कौन है दिवाली ने फरमा सारे नबी मेरे झंडे दे नीचे होवणगे लवाइल हम्द ते गौसे पाक की फरमा दे ने कदमी हाजी अला रकबते कुल्ली वली जिल्ला फरमा दे ने हर वली मेरे कदम दे नीचे वे
जब तक उस पाक दे कदमां दी मोहर ना लगे कायनात को वली नहीं बन सकदा। यानी उत्थे सारे नबी मुस्तफा दे झंडे दे नीचे ते इत्थे सारे वली गौस पाक दे कदमां दे नीचे। बुजुर्गां ने दीन इरशाद फरमांदे ने आला हजरत कलम ही तोड़ के रख दिता ना, चलिए फिर आला हजरत दे दरबार ते। आला हजरत वर्गा भी काटी को गौस पाक दा यार को आशिक कायनात च आवेगा, क्या बात, आला हजरत ने ते एक एक लफ्ज परो के रख दिता ना। आला हजरत फरमांदे बरेलवी फरमांदे ने जिंदगी में पर बनी कर दने ओनिया, जिंदगी में पर बनी कर दने ओनिया, उस कदम की करामत पहला जो नहीं बजड़ा ग्यारहवीं खंडा ओ ते मेरे ना रल के पड़े, उस कदम की करामत पहला खोसला पहला खोसला, उस कदम की करामत पहला खोसला। नौजवानों कबली वाले इमामो लंबिया ने गौसे पाके इमामो लौलिया ने इंज कह दवाओ के गौसे आजम, गौसे आजम दरमियान औलिया, गौसे आजम औलिया, चू मुहम्मद दरमियान अंबिया, गौसे आजम वलिया च इंज ने जिवें कमली वाले नबी आ। हुण बोलो सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरात गौसे पाक हुण नबी पाक दे मौजजात नबियां च मशहूर ने, कोई नबी एक कोई दो कोई तीन कोई चार पांच छे सात अठ नौ, नौ मौजजात तक जिक्र। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि सब तो ज्यादा मौजजे हजरत मूसा नु अल्लाह ने अता किए, और आप फरमांदे ने सब तो ज्यादा हजरत मूसा अलैहि सलाम को मौजजात सन ते ओ नौ सन, पर जदों आई ना कमली वाले दी वारी मुहद्दिसीन ते शारहीन फरमांदे ने तकरीबन अल्लाह करीम ने वैसे ते बेशुमार ने मगर जेड़े उलमा ने गिने ने ओ नबी पाक दे 10,000 मौजजात गिने ने। उंजे ते इक कुरान ही नहीं मान है, एही बड़ा वड्डा मौजजा, सब तो बड़ा मौजजा मेरे नबी दा कुरान, कुरान तो बाद सब तो बड़ा मौजजा मेरे नबी दा मेराज मुस्तफा है। उन्हें नबी पाक दे जेड़े उलमा ने गिनती करके फरमाते तकरीबन 10,000 मौजजात ऐसे ने जेड़े सहाबा और उलमा फरमाते ने कि गिनती कीते जा सकदे ने, उंज कितने ने और रब जाने या रसूल जाने। तो कसरत ए मौजजात ए मेरे नबी दी अजमत है अंबिया विच, ते कसरत ए करामात ए गौस पाक दी फजीलत है। इंसान की अकल हैरान रह जाए, गौसे पाक तो ऐसी ऐसी करामात अल्लाह करीम ने वारिद फरमाइया। ते करामत का जिक्र तो कुरान च बार बार आता है ना भाई, बार बार कई लोग ने करामत के बड़े मुनकर ने कहते वेखो जी ये किवें हो सकता है,
भाई करामत होंगी हो जिन्होंने बंदा वेख्या कि किवें हो करामत होंगी होवे ना भाई मौजदा तो होंगे ही हो जो इंसान की अकल को आजिज कर दे मौजदा कहते हैं ठीक है पत्थर डुब जाए तो गुब्बारा तर जाए कोई परेशानी वाली गल नहीं तो पत्थर तर जाए तो गुब्बारा डुब जाए अकल हैरान हो जाती इन मौजदा कहते हैं इन करामत कहते हैं जिथे अकल हैरान हो करामत मौजदा कहते हैं तो लोग करामत वेख के कहते हैं या पढ़ के कहते हैं ये हो कि सकता है भाई करामत कहता ही उन्होंने जिन्होंने वेख के बंदा आखे हो कि सकता है होंगी करामत हो तो ग्रामी कदर हजरात करामात हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनिया वारद ने इतनिया वारद ने इतनिया वारद ने मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी खाने च बरकत हो गई हजरत जाबिर दे घर गए थोड़ा जा खाना एक बकरी दस बंदे का खाना सैकड़ों खा के चले गए तो फरमाते ने मैं ढक्कन उठा के देखा तो जे रोटियां भी होवे तो बोटियां भी होवे मौजदा मेरे नबी हजूर ने फरमा कयामत तक खांदे रहंदे ओ फलान चीज दे के खजूरां दे के फरमाया बस इस तरह नहीं वेखना ते ढक्कन नहीं चुकना ते कड़ कड़ खाई जायो ते वंडी जायो ते कयामत तक नहीं मुकन गया ओ नहीं मुकियां जिस दिन इस तरह करके वेख लिया खत्म हो गई ये भी मेरे नबी का मौजदा मिसाल के तौर पर हजरत अबू हुरैरा है आख्या जी मेरी सवारी चलती नहीं ऊंट नहीं चलता नबी पाक ने इस तरह करके उन्होंने एड़ी मारी चंद दिन बाद हजरत अबू हुरैरा मिले तो नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा ऊंट का की हाल है अर्ज करते हैं जी अगे टुरदा नहीं सी हुण रुकदा ही नहीं है यानी नबी पाक दे इस कदर मौजदात ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने अर्ज की मैं पिंड जाना है ते दो सहाबी ते अर्ज की या रसूल अल्लाह पिंड बड़ी दूर है मदीने तो ते अंधेरा बड़ा ते कोई रोशनी नहीं पर मैं खजूर की टहनी लियाओ खजूर की टहनी लिया दी मेरे नबी हाथ फेरिया जिवें मोबाइल दे विच टार्च नहीं आ गई बस वह भी इंज टार्च बल पई जे वो दस हाथ अगे ते दस हाथ पिछे रोशनी करे दोवें सहाबी जा रहे थे फरमाते ने हुण अगे दो रस्ते एक सहाबी इधर जाना ते एक ने इधर उन्हें आख्या जी हुण तुसां खड़नी है कि मैं खड़नी है उन्हें आख्या मेरे नबी दे हाथ लगे ने इहदा फैज़ को थोड़ा है उन्हें आख्या तू भी वो टहनी लिया उन्हें टहनी लिया दी दोवां नूं रगड़िया ते दोवें रोशन हो गईआं फरमाया मुहम्मद दे हाथ लगे ने असां दीवे नाल दीवा ही बालना है यानी कि इस कदर मौजज़ात मेरे नबी दे ते जदों आई गौस पाक दी वारी इत्थे भी करामतां दे ढेर लागे गौस पाक दीआं करामतां दे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक दिन वजू कर रहे ते आपने इंज पानी लैके हवा छटिया फिर सटिया फिर सटिया फिर सटिया बारी आपने असर पाउंदिया खड़ावां जुतियां मुबारक हवा च सटियां वो मुरीद जिहड़ा वजू करांदा कहिंदा मैं वेख्या जुतियां जा ते रहियां पर आईयां कोई नहीं तीन दिन इंज गुजर गए परेशान मेरे पीरां दीआं जुतियां मुबारक गईआं किधर तीन दिन बाद गौस पाक ने उस मुरीद नूं बुलाया फरमाया जा दरियाए दजला ते ओह बगदाद दे बाहर इक कश्ती आई है उत्थों काफिला उतरियो जो दिन लैके आ जा जाके बस इन्ना कवे मैनूं यारहवीं वाले पीरां भेजिआ उन्हें जाके आख्या जी मैनूं ग्यारहवीं वाले पीरां भेजिआ उन्हां बड़े नजराने बड़ा कुछ दित्ता ते नाल गौस पाक दीआं जुतियां भी दित्तियां उन्हें आख्या जी इह तुहाडे कोल मेरे पीरां दीआं जुतियां कित्थों आ गईआं उन्हें आख्या जी तीन दिन पहले जंगल चुपे गुजरते सारे डाकुआ ने हमला कर दिता असा फिर बगदाद वाल किया मूह कुदरती तौर पर तुहाडा सारा इधर बैठे हो ना तुहाडा मूह बगदाद वाल बगदाद चुके छटे तकरीबन इधर बंद है पढ़ लिये उन्हें किवें आवाज मारी होगी हाथों बंदा खड़ा करे जिहड़ा गौस पाक नूं अपना मुर्शिद वरतदा होवे हाथ इत्थे ही रख्या जो नीवा ना करे इत्थे ही रख्या जे दरा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए सुन फरियाद पीरां दे पीरां सुन फरियाद पीरां दे पीरां ए सुन फरियाद पीरां दे पीरां फरिया पीरा ए सुन फरियाद पीरा पीरा सुन
बुलावे मैं सुना गो असी पुकारे लज पाला गुलामा दिया सुन लाए सारे मिलके पढ़िए सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मैं आख सुनावा के होर न कोई पर मेरे जया लख तू खोल न कागज पदिया वाले के दर्द थकना दसो तुसी बख्शे दे के तू कहते ने ऐसा जंग च पुकारिया सुन फरियाद पीरा दे पीरा काफले वाले लगता तुहाडे पिछे कोई साईं जिउंदा है आख्या सी गौस पाक दी नजराना जिहड़ा मन्निया सी ना इह दित्ता है गौस पाक पता लग्या साडे ते पीरां दीआं जुतियां मदद कर लैंदियां अल्लाह ने ए वलिया नु करामत अता कीतिया हैं ग्रामी कदर मुर्दे जिंदा कीते मेरे नबी ने दिल मुर्दे जिंदा कर देते ते गौस पाक दा मुर्दे जिंदा करना ते मशहूर ही बड़ा है कुर्दस्तान इत्थे तबलीगी दौरे ते आए ना गौस पाक ते ईसाई पादरी गौस पाक नु कहन लगे कि साडे नबी दी ए मौजज़ा सी कि ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा कर दे जे तुसी सानू कलमा पढ़ान अपने नबी दा आयो ते तुहाडे नबी भी को मुर्दा जिंदा कीता है गौस पाक फरमा दे तू मेरे नबी की गल करना फरमा मुर्दा जिंदा करना मैं कर देना आपने फरमा मैनू किसे कबर ते लै चलो वह पुरानी कबर ते लै गए कि यह बड़ा पुराना मुर्दा है गौस पाक ने फरमाया जिहड़ी हालत च मरिया सी फिर उसे हालत च उठावा उन्हें आख्या जी उठाओ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने ठोकर मार के फरमा कुंभी इज़निल्लाह बाद ने फरमा कि आपने फरमा कुंभी इज़नी इहदे ते अल्लाह दा बहस कीती जा सकदी मगर वक्त नहीं फरमा उठ अल्लाह दे हुक्म दे नाल बांसरी बजांदा उठिया आपने फरमा बांसरी बजांदा क्यों ने आख्या जी मैं सारी उम्र आई कम करदा रहा आपने फरमाया चल फिर कबर च वह फिर कबर च चला गया ते सारे कुर्दस्तान दे ईसाई गौस पाक दी आ करामत वेख के ना ते कलमा पढ़ गए पता लग गया नाने दे कदम ते कदम रख दे आए ने भाई नाने दे कदम ते कदम रख दे आए इंशाल्लाह उल अजीज मेरा ते दिल करदा अगला जुमा भी ग्यारहवीं वाले बाबे की शान च पढ़ा दी फिर चलो इंशाल्लाह अगले जुमे इतनी गल शुरू कर लवेंगे अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए आमीन।